मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में एक धमाका हुआ है। ये धमाका सोमवार शाम 7:30 बजे हुआ है, जिसका असर इतना भयानक था कि पूरी बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं इस धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। मौके पर एसएसपी आईजी ने पहुंचकर जरूरी जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पंजाब खुफिया कार्यालय की 3री मंजिल पर विस्फोट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड इमारत की 3री मंजिल पर फेंका गया। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके के बाद बिल्डिंग के शीशे टूट गए। इस घटना के बाद मौके पर एनआईए की टीम भेजी गई है। विस्फोट के बाद पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोहाली में खुफिया मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारी पुलिस बल पर ये हमला बेहद चिंताजनक है। आशंका जताई जा रही है कि ये हमला आरपीजी से हुआ है। आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड। तस्वीर में टूटी हुई ग्रेनेड की तस्वीर देखी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने इसे आतंकी घटना के तौर पर पुष्टि नहीं की है। पंजाब पुलिस का कहना है कि एक छोटा धमाका था। एसपी के मुताबिक ब्लास्ट बाहर से हुआ है। मौके पर फोर्सिंग टीम भी पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक सीएम भगवंत मान ने भी मोहाली धमाके पर रिपोर्ट तलब की है। इस मामले पर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो मुख्यालय मोहाली में हुए विस्फोट से स्तब्ध हूँ। इससे गंभीर सुरक्षा चूक और पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एक बार फिर उजागर हो गई है। जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने और दंडित करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है।